असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा छत्तीसगढ़ में अकबर वाले अपने बयान को लेकर बुरे फंस गए हैं। इसके साथ ही प्रियंका गांधी भी नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर फंस चुकी है। असम के मुख्यमंत्री अपने बयान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने भूपेश बघेल की सरकार पर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सनातन धर्म को कमजोर कर राज्य में धर्म परिवर्तन का बाजार खोल दिया है। वहीं बीते दिन चुनाव आयोग ने राजस्थान के दौसा में अपने भाषण के दौरान कथित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा, एक अखबार अगर एक जगह पर आता है तो वो 100 अखबार को बुला लेता है, ये बात भूलिए मत। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उस अखबार को आप विदा कीजिए, नहीं तो माँ कौशल्या की ये भूमि अपवित्र हो जाएगी। वही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि हेमंत बिस्व शर्मा ने समाज के कुछ वर्गों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की मंशा से ये टिप्पणी की है। कांग्रेस ने ज्ञापन में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए लोक सेवकों और सैनिकों को दिए गए सरकारी आदेशों के खिलाफ शिकायत की है। उसका कहना है कि सरकार का ये कदम आदर्श आचार संहिता और केंद्रीय सिविल सेवा नियम वाली 1964 का उल्लंघन है। शर्मा के इस बयान के मद्देनजर चुनाव आयोग ने आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए असम के मुख्यमंत्री के कारण बताओ नोटिस भेजा है। शर्मा को 30 अक्टूबर सोमवार शाम 5 बजे तक अपना जवाब पेश करने के लिए कहा है, नहीं तो चुनाव आयोग उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगा। वहीं चुनाव आयोग ने बीते दिन राजस्थान के दौसा में अपने भाषण के दौरान कथित चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा को कारण बताओ नोटिस दिया। आयोग ने प्रियंका गांधी से 30 अक्टूबर शाम 5 बजे तक नोटिस का जवाब देने को कहा है। 20 अक्टूबर को दौसा में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, मैंने हाल ही में टीवी पर कुछ देखा, मुझे नहीं पता कि ये सच है या नहीं। पीएम मोदी देव नारायण मंदिर गए और दान पेटी में एक लिफाफा जमा किया। लोग सोच रहे थे कि इसमें क्या है, लेकिन जब इसे खोला गया तो इसमें से 21 रुपए निकले। इस कार्रवाई पर प्रियंका गांधी ने फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा, मुझ पर भाजपा की कार्रवाई कराने का मतलब है कि मेरी बात में कुछ तो सच्चाई होगी। मैं कुछ दिनों पहले सिकराई गई थी, वहां पे मैंने एक बात की, इतना भड़क गए भाजपा वाले कि मुझ पे केस भी डाल दिया उन्होंने। और मैंने बात सुनिए क्या कही थी। मैंने ये कहा था कि मैंने टीवी पे देखा, पता नहीं सच है कि नहीं, क्योंकि टीवी पे ऐसी बातें भी होती हैं जो सच नहीं है आजकल, लेकिन मैंने टीवी पे देखा कि श्री देव नारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। हाँ, फिर उस लिफाफे को 6 महीने के लिए किसी ने खोला नहीं कि मोदी जी ने डाला है। 6 महीनों बाद वहाँ के जो मंदिर के जो पंडित हैं और सब लोग इकट्ठे हुए और टीवी वाले भी कैमरा लेके गए और उन्होंने वो बक्सा खोला तो उस लिफाफे में से क्या निकला, 21 रुपए निकले। तो सबकी उम्मीदें कहाँ थी और निकला क्या, देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े नेता और उन्होंने 21 रुपए का लिफाफा डाल दिया सबके सामने कि लिफाफा तो डल रहा है उसके अंदर क्या है हमें नहीं मालूम। तो देखिए, मैं तो समझ गई कि ये मोदी जी का लिफाफा खाली है, ये बात चुभ रही है इनको, क्योंकि ये बात सच ही होगी। और ये बात इसलिए चुभ रही है क्योंकि जो काम ये करते हैं उससे यही दिख रहा है बार बार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।